तो आज आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और इस वाले वीडियो में आपको जो है कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इवेंट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ आपको देख के और सुन के शौक लग जाएगा। जी हाँ गाइस, ऐसी चीज़ें अभी पबजी वाला BGMI में एग्जिस्ट करती हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ तक कि जो आपको BGMI के अंदर का एक बग भी बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा बंदे इसमें जो है फंस जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते रहो वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो गाइस सबसे पहला टॉपिक है TDM को लेके। गाइस एक नया TDM आने वाला है जहाँ पे आपको जो है बहुत सारे बंदे एक साथ देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइस, नॉर्मल TDM में क्या होता है कि 4 vs 4 होता है, 4 vs 4, टोटल 8 बंदे होते हैं, लेकिन इस वाले TDM में ना 16 बंदे रहेंगे। जी हाँ गाइस, 8 vs 8 मोड आने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बहुत बड़ा टाइप का मैप रहेगा, जो TDM है ना वो बहुत बड़ा तो ह्यूज रहेगा, और वहाँ पे जो है 8 vs 16 बंदे रहेंगे। जी हाँ गाइस, तो उसमें जो है जो फाइट रहेगा ना और ज़्यादा एपिक हो जाएगा, और आपको जो है बहुत लंबा लंबा फाइट देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइस, आप जो है बच बच के खेल पाओगे, अलग अलग स्ट्रेटजी यूज कर पाओगे। तो चलिए देख लेते उस मैप के बारे में, कैसा टाइप का मैप रहेगा, किस टाइप का वो रहेगा। तो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं पबजी मोबाइल बीटा के अंदर पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मैप मैं खेल रहा हूँ ये 8 vs 8 TDM का फर्स्ट लुक है। ठीक है, ये 1.8 के अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। गाइस देख लो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनिमीज भी देखने को लगेगा आपको, और ये सारे सारे आप देख पा रहे बंदूक भी रखे रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 8 vs 8 TDM को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा 1.8 के अपडेट में, कुछ ये जनवरी को आएगा, ये 16-17 जनवरी के अंदर में। देख पा रहे हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, और ये पूरा अंदर तक रहेगा, ऊपर जा नहीं पाओगे, नीचे ही रहोगे, लेकिन ऊपर जो है पूरा फैसिनेटिंग है, शो टाइप का लग रहा था देखने में। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे देखने में, पूरा एकदम साफ सुथरा, कोई यूरोपियन बहुत बड़ा टाउन है ये, यूरोपियन मार्केट उस टाइप का ये लग रहा है। ठीक है, देख लो यहाँ पे कैसे लग रहा है, बताना कमेंट के अंदर में कि क्या ये 8 vs 8 TDM आपको पसंद आएगा, कि या फिर जो है 4 vs 4 TDM ही आपको पसंद आएगा, जरूर बताना कमेंट्स के अंदर में। यहाँ पे देखो सीनरी, देखो गाइस क्या बेहतरीन सीनरी यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, पूरा बिल्डिंग विल्डिंग दिख रहा है, पानी वानी है, ओपी लग रहा पूरा ये सीनरी। तो इस तरीके का एक TDM मोड आने वाला है इस 1.8 के अपडेट में, ये पबजी और BGMI दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो इसको आप खेल पाओगे, ये हो गया अपना पहला टॉपिक। अब चलते हैं आप लोग सेकंड टॉपिक की तरफ में। गाइस पबजी मोबाइल और BGMI के अंदर आ चुका एक ऐसा मिस्टीरियस आईडी जो कि आपको देखते ही साथ साथ ऐसा लगेगा कि ये कोई भूतिया आईडी है क्या, या फिर जो है ये कोई डेवलपर का आईडी है, क्योंकि यहाँ आप जैसे पहुंचोगे ना तो यहाँ पर देख पा रहे हो Diamond 2 है इसका लीक। ठीक है, लेकिन अंदर जैसे जाओगे तो इसको यहाँ पर आपको ब्रोंज दिखेगा। जी हाँ गाइस, और इसका एकदम नया आईडी है, Level 1 का आईडी है, लेकिन वो तो नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन राइट साइड आप देख पा रहे हो इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो 15 लाख है, लिटरली 15 लाख पॉपुलैरिटी एक जो पहला अकाउंट है। मतलब इसने ऐसा क्या किया जिसका 15 लाख हो गया, ऐसा कौन सा ट्रिक लगा रही है जिसको 15 लाख हो गया। कहीं पता नहीं कि ये कोई भूतिया आईडी है या फिर जो है ये कोई डेवलपर आईडी है, जरूर बताना कमेंट्स के अंदर में आपको क्या लगता है। अब बस यहाँ पे मैं इसका टीयर रिवॉर्ड जाऊँगा ना, तो स्टैटिस्टिक्स में देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक मैच में इसे खेला नहीं, कुछ नहीं किया यहाँ पे, देख पा रहे हो यहाँ पे टीयर रिवॉर्ड। जैसे करंट सीजन जाओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी सीजन नहीं दिखेगा। ये सबसे खतरनाक बात क्या है पता है, राइट साइड में जो क्रॉस साइन होता है ना, जो बैक करने वाला, वो क्रॉस साइन ही हट गया। देख पा रहे हो यहाँ पे कोई क्रॉस साइन ही नहीं है, यहाँ से मैं बैक कैसे जाऊँ, बैक कैसे जाऊँ भाई, यहाँ पे यहाँ मैं अटक गया, पूरी तरह से फ्रीज हो चुका हूँ। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब झटका लगा कि ये क्या हो गया अचानक से। मतलब आप अगर इस अकाउंट के ज़्यादा बिताओगे ना, ज़्यादा खोजबीन करोगे, तो आपको जो यहीं भी अटका देगा और आपको गेम को पूरी तरह से फ्रीज कर देगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइडिया है ये। तो गाइस इस वीडियो का तीसरा और आखिरी टॉपिक, गाइस बहुत जन को आइलैंड डिस्कवरी में प्रॉब्लम आ रहा था कि हम लोग जो है ये सारे के सारे मिशंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्या हम लोग को जो है अपग्रेड पैक करना चाहिए। अभी ये जो अपग्रेड पैक आप देख पा रहे हो यहाँ पे 600 वाला पैक लेना चाहिए, 300 पैक लेना चाहिए। तो हाँ, अगर आप लो लोगे ना तो आपको आराम से जो है परमानेंट मिल जाएगा, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो है रिडीम सेक्शन है ना, यहाँ पे बहुत जन का UC एक्स्ट्रा खर्च हो जा रहा है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो है आपको वार्निंग नहीं दे रहा है, यहाँ पे अगर 120 कर देते हो, मान लो कि मैंने 859 ना मेरे ने खर्चा कर दिया, उसके जो अगर मतलब 0 हो जाएगा ना पॉइंट यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे बताएगा नहीं मेरा UC कटेगा, मैं डायरेक्ट जो है UC कट जाएगा। जी हाँ गाइस, तो ये चीज़ को बच रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है खोल सकते हो, और अगर आप एक साथ 10 खोलोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जी हाँ, 10 यहाँ पे जो है 1200 से लेकर आपको जो है 1080 कर दिया है, मतलब आपको जो है बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर नॉर्मल खोलोगे तो 120 लगेगा, लेकिन अगर आप वहाँ खोलोगे तब जो है आपको अलग लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2-3 बार खोल लेता हूँ और देख लेते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं खास हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग एक बार जो है वेक्टर ट्रिक को यूज़ करते हैं, पूरा गरीब बन जाते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ खास मिलता है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके का आप भी कर सकते हो ट्राई, कि बहुत बार एक कैरेक्टर में कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन अगर हम चेंज कर देते ना तो हम लोग जो है कुछ खास मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कुछ खास मिलता है कि नहीं। यहाँ पर रिडीम में जाते हैं, यहाँ पर टोटल 1000 से ज़्यादा जमेगा नहीं, बहुत कम चांसेस है 1000 से ज़्यादा जमने का। ठीक है, और मिलने का भी बहुत कम चांसेस है, अगर UC खर्च करते हो ना तभी मिलेगा, वरना तो मुश्किल है, मुझे लगता नहीं कुछ खास मिलेगा। देख पा रहे हो यहाँ पे, और शायद 1 या 2 बार होगा, हाँ 1 और बार होगा लास्ट, कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, एकदम बेकार टाइप का स्पिन है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं।
और यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको 120, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ 101 UC, लेकिन अगर आपको जो है पूरा कॉइन्स खर्चा हो जाता है तब जो है आपको यहाँ पे एक भी यूसी का वार्निंग नहीं देगा, आपको जो है डायरेक्ट 120 UC काट लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना गाइस, आपको जो अगर यूसी यहाँ पे है और आपका कॉइन्स नहीं है तब जो है खुलने मत जाना, ठीक है, आपको यूसी कट जाएगा डायरेक्ट, इसलिए बोल रहा हूँ आपको जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया गाइस तीन चीज़ें, बताओगे इस कैसा लगा आपको ये तीन चीज़ टॉपिक अलग अलग मैं खोज के लाया था, क्योंकि आज संडे कुछ था नहीं स्पेशल, कोई इवेंट वेंट कुछ आया नहीं, तो सोचा कि कुछ तीन अलग चीज़ किया जाए, कुछ जो है अलग टॉपिक बनाया जाए, ठीक है, ताकि जो है आपको भी समझ आए, कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। तो बताओ इस वीडियो कैसा लगा, पसंद तो लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटा दबल, तो कि ऐसे ऐसे मैं लाते रहता हूँ। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।